तो बेसिकली सबसे बड़ी बात जो निकली वो ये है कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अगर हम सब मिलकर काम करें चार्टर यूनिलीवर हमारे सारे पार्टनर्स तभी हम यूएन के मैंडेट को अचीव कर सकेंगे। बहुत सारे पार्टनर्स आज सुबह हमारे साथ थे, उनमें से कुछ हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं, कुछ की डिटेल्स हम आपसे वीडियो में शेयर करेंगे। प्रोफेसर इजाफा इसकी मजे की बात में ये करना शुरू कि इन गोल्स का मकसद ये है कि तीन प्राइमरी एरियाज हम दुनिया में और पाकिस्तान में अचीव करना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये हम एक्सट्रीम पॉवर्टी को पाकिस्तान से खत्म और बल्कि दुनिया से खत्म करना चाहते हैं। दूसरी चीज जो हम करना चाहते हैं वो वी वॉन्ट टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज और इनजस्टिस। और तीसरी जो बहुत लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्लाइमेट चेंज जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है हमारी दुनिया का हमारे मुल्क का उसको हम टैकल करना चाहते हैं। इन मौजूदात पे जो सुबह बात हुई है ये 17 पिलर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप हमारी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये 17 पिलर्स जो पाकिस्तान में इन मौजूदात पे जब बात होगी, जब हमारे लोग हमारे पॉलिटिशियन हमारे डिसीजन मेकर्स जब इन मौजूदात पे जब बात करेंगे तब जाके हम इन तीन पिलर्स पे इंशाल्लाह कामयाबी पाएंगे। जो भी मैंने जिक्र किया जो प्लेजेस जो पार्टनर्स हमारे साथ आज सुबह थे उन्होंने सुबह क्या कमिटमेंट्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश हाई कमिश्नर फिलिप बार्टन यहाँ पे थे, उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर की तरफ से ये कमिटमेंट की है कि दे विल शेयर ग्लोबल गोल्स विद ओवर 100,000 पीपल यूजिंग सोशल मीडिया, तो वो पाकिस्तान में अवेयरनेस क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। फाउंडेशन है जिन्होंने पेश किया कि वो 1.5 मिलियन बच्चों को तालीम देंगे बाय द ईयर 2030। प्लान ने पेश किया कि दे विल रीच ओवर 300 कम्युनिटीज पाकिस्तान के सारे सूबों में और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 1 मिलियन पीपल को वो ये पैगाम पहुंचाएंगे। जैसे नेदरलैंड्स ने भी इनिशिएटिव किया है, उन्होंने ये कमिटमेंट शेयर किया है कि दुनिया भर में तो ये काम कर ही रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में भी वो अपने पोस्ट 2015 के जो एम्बिशन को है एडजस्ट करेंगे इन गोल्स की अलाइनमेंट के साथ और उन्हीं मौजूदात पे सिक्योरिटी बॉर्डर रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह पे पाकिस्तान में काम करेंगे। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिमिनेशन फंड ने कमिटमेंट दी है कि वो टेक्निकल असिस्टेंस देंगे ऑर्गेनाइजेशंस को और तकरीबन 4,000 कम्युनिटी ग्रुप्स और तकरीबन 4,500 कम्युनिटीज में ये मैसेजेस पहुंचाएंगे ओवर द नेक्स्ट 15 इयर्स।